जब आप मैनुअल एक्टिविटी को रिप्लेस करेंगे ऑटोमेशन के साथ तो चांसेस है कि ह्यूमन एरर इसमें कम हो जाएगा इसी तरह हैजर्ड्स की जो सोर्स हैं जिसकी वजह से ये हैजर्ड पैदा हो सकती है अगर उन सोर्स को ख़त्म कर दिया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए या मैनेज कर लिया जाए तो काफी हद तक आप उस हैजर्ड के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं आइसोलेट द हैजर्ड हैजर्ड को आइसोलेट करें एनक्लोज दैम इन बेरियर डल्यूट देंट लाइटियसटांस

यूज अप्रोप्रेट परसोनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग किसी कंस्ट्रक्शन के अंडर काम कर रहे हैं तो सड़क ऊपर अगर आपके प्रोटेक्टिव हेलमेट नहीं है अगर कोई चीज़ घिरती है तो उसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है तो इन चीज़ों को व्र करना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का व्यर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोवाइड इम्प्लाई ट्रेनिंग प्रैक्टिस गुड हाउस कीपिंग इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लाई को ट्रेन करना ये तो कॉमन पॉइंट है हाउस कीपिंग प्रॉपरली होनी चाहिए तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर होनी चाहिए प्रॉपर शेल्फिंग होनी चाहिए जो प्रोडक्ट जो एसेट जो एक्वमेंट जहाँ पर रखना चाहिए उसको वहाँ पर रखें जब वहाँ पर रखेंगे तो उसके नीचे गिरने के चांसिस कम हो जाएंगे हे वी कैन सी सेलेक्ट अ मैथड अप्लाई द मैथड मोनिटर ऑब्जर्व इट असेस अफेक्टिवनेस एंड एडजस्ट एज नी जब ये काम आप करेंगे डी एस स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली आप काफी हद हाँ तक हैजर्ड्स को कंट्रोल कर लेंगे इनको हम कहते हैं स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मैर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हैजर्ड को काफी हद हाँ तक कंट्रोल किया जा सकता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन प्रोसेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आप काफी हद हाँ तक हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कवरेज इम्प्लाई पार्टिसपेशन प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हैज़ड अनालिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर जब इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मेयर का बायस बनाएंगी और इन स्टैंडर्ड्स को अगर आप लोग गूगल कह रहे हैं सर्च करें तो इन पर बहुत डिटेल अवेलेबल है और इन सब की मदद से आप काफ़ी हद हाँ तक होपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की मदद से अपने स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के बाद आप हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन रेगुलेशन फॉर केमिकल स्पेल्स केमिकल मकैनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल। इन सब के अपने अपने पैरामीटर्स हैं अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं अब यहाँ पे हम केमिकल की बात कर रहे हैं केमिकल अगर लिक्विड फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है या मिक्सर है तो उन सब को कैसे टैकल करना है कैसे डील करना है इसको आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स की मदद से कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स विद रेलिवेंट टू केमिकल स्पिल्स द सेकंड ऑप्शन टू बी प्रमोटेड टू द रिस्पॉन्स इंटरनली इम्प्लायर्स हु यूज दिस ऑप्शन मस्ट हैजेंसी रिस्पॉन्स प्लान ई एल पी एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान

और ओ एस एच ए के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होने चाहिए